इधर मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े का खामियाजा एक बार फिर छात्रों को उठाना पड़ सकता है। वो इसलिए क्योंकि इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने सत्र 2023-24 के नर्सिंग कोर्सेज को मान्यता देने से इंकार कर दिया है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने जबलपुर हाईकोर्ट में जवाब पेश किया है। इसमें कहा गया कि मध्य प्रदेश में सत्र 2024-25 की मान्यता प्रक्रिया शुरू हो गई है और ऐसे में एक साल पुराने सत्र को मान्यता देने के लिए कट ऑफ डेट नहीं बढ़ाई जा सकती। ऐसे में प्रदेश में नर्सिंग कोर्सेज के लिए साल 2023-24 का पूरा सत्र जीरो ईयर घोषित हो सकता है, जिससे सत्र के लाखों छात्रों का एक साल खराब हो जाएगा। दरअसल नर्सिंग कॉलेज मान्यता फर्जीवाड़े के चलते सरकारी नर्सिंग कॉलेजों ने पहले ही सत्र 2023-24 को जीरो ईयर घोषित कर दिया था, लेकिन निजी नर्सिंग कॉलेजों ने हजारों लाखों छात्रों को इस सत्र में गलत ढंग से दाखिले दे दिए थे। अब निजी कॉलेजों ने सत्र 2023-24 की मान्यता के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन नर्सिंग काउंसिल ने मौखिक जवाब देते हुए मान्यता की कट ऑफ डेट बढ़ाने से इंकार कर दिया है। मामले पर हाईकोर्ट ने नर्सिंग काउंसिल को लिखित जवाब पेश करने के निर्देश दिए और मामले पर अगली सुनवाई अब 5 सितंबर को होगी। सत्र 23-24 की कट ऑफ डेट की निकल चुकी है, 24-25 की प्रक्रिया चूंकि अभी चल रही है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कुछ न्याय दृष्टांत हैं जिनके परिपालन में अब कट ऑफ डेट नहीं बढ़ाई जा सकती। इसको कोर्ट ने उनको कहा है कि इसको लिखित में पेश करें कि सरकारी नर्सिंग कॉलेजों का सत्र शून्य था तो वहां तो कोई भी बच्चा प्रवेशित नहीं है। उन बच्चों को भी नर्सिंग काउंसिल पत्र जारी किए और अधिसूचना जारी कर बच्चों को भी बताया कि आप बिना मान्यता देखे किसी संस्थान में प्रवेश ना लें। कॉलेजों को भी कहा कि अगर आप बिना मान्यता के ऐसे कोई प्रवेश ले लेते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी।